ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो आपका जीवन आपकी राशि के अनुसार चलता है। ग्रह नक्षत्रों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपकी राशि स्वतः ही दर्शा देती है। यह भी सच है कि आधुनिक युग में हमने ज्योतिष विद्या से एक दूरी बना ली है, लेकिन सच ये भी है कि समस्याएं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीवन में पैदा होती हैं वो ज्योतिष की नज़रअंदाजी से होती हैं। यदि हम ज्योतिष की अनुसार डिसीजन लें तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कैसा होगा, जैसा दिखता है, क्या वह वाकई ऐसा है, इन सभी सवालों का जवाब भी ज्योतिष के जरिए ही हमें मिल सकता है। जीवन की गुप्त बातों का खुलासा भी आपकी कुंडली करती है। लेकिन इन सब से इतर ज्योतिष की एक खास बात और है, इसके अनुसार आप व्यक्ति को उसकी राशि के अनुसार भी जज कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हर राशि के भीतर एक खास खूबी होती है और जिस व्यक्ति की जो राशि होती है वह खूबी स्वतः ही उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। आज मैं आपको राशि की महत्वपूर्ण खूबी बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष के अंतर्गत जितनी भी राशियाँ हैं, यूँ तो वो सभी अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें से चार राशियाँ ऐसी मैंने छांटी हैं जो वाकई बहुत ताकतवर होती है। वो उतनी डोमिनेंट राशियाँ होती हैं कि सामने वाले को उनसे दबना ही पड़ता है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मेष राशि का। ये राशि और सभी राशियों से सबसे ज़्यादा ऊर्जावान मानी जाती है। ये लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, रुकना इनके स्वभाव में है ही नहीं। अगर कोई इन्हें बोर करता है तो ये बस उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, बात को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। इनके निर्णय इनके अपने होते हैं, ये किसी से प्रभावित होकर अपने जीवन की दिशा नहीं तय करते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातक समर्पित और ईमानदार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके भीतर द्रोही स्वभाव भी प्रमुखता के साथ होता है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनके साथ ही ईमानदारी बरतते हैं, लेकिन जो लोग खुद धोखेबाज होते हैं उन्हें इनकी ओर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और इस वजह से कभी कभी इन्हें सहन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वृश्चिक राशि के लोगों के भीतर भविष्य को भांप लेने की क्षमता होती है। जो आप सोच भी नहीं सकते ये लोग उसके हर परिणाम तक पहुँच जाते हैं, इसलिए इस राशि से बचकर रहना ही फायदेमंद है। इसके बाद जो राशि आती है उसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं करती। अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपनी भावनाओं और अपनी संवेदनाओं को दरकिनार करके भी आगे बढ़ जाते हैं। कुंभ राशि के लोग बहुत दिलचस्प और जिज्ञासु होते हैं, ये बुद्धिमान भी माने जाते हैं। इनके भीतर जिद के साथ साथ गजब का आत्मविश्वास भी होता है। इसके बाद जो राशि आती है वो आती है मकर राशि। ये सबसे उत्कृष्ट राशि मानता हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके भीतर आत्मनियंत्रण की भावना बहुत प्रबल होती है। इनके अंदर दूसरी राशि की लोगों से ज़्यादातर बेहतर तरीके से सोचने और समझने की क्षमता होती है। ये लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, इनके स्वभाव में ठहरना नहीं होता। यही वजह है कि ये लोग बहुत जल्दी अपने उद्देश्यों को पाने में सफल भी हो जाते हैं। इन सब की वजह से इनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा हुआ ही रहता है। मैंने आपको इन चार राशियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी ली है। आशा है कि आप इस जानकारी से अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे शेयर करना भी ना भूलें और लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।